हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं रजनी, वेलकम है मेरे चैनल पर। और आज करने जा रही हूँ मैं एक एक्सपेरिमेंट, जो कि है कद्दू का हलवा। आज इसमें हंसने वाली बात कुछ नहीं है। दिस इज एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये है हमारा कद्दू। इसे पेठा कह लो, सीताफल कह लो, या कद्दू कह दो। अब क्या करना है, इसे पील करके, क्योंकि फिर वॉश करने में, ग्रेट करूँगी तो वॉश करने में हो जाएगी दिक्कत, तो पहले मैं इसे कर देती हूँ पील। पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया, एक यूट्यूब पे नहीं कुकिंग चैनल आता था, उसमें एक कुक थे, सरदार जी थे। उनसे किसी ने कहा कि मेरे बच्चे पेठा नहीं खाते, इसमें पम्पकिन में बड़ा फाइबर होता है, बड़े विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, मेरे बच्चे वो नहीं खाते। तो सरदार जी बोल रहे, मैं आपको दिखाता हूँ एक नई रेसिपी, जो कि होगी कद्दू का हलवा। अब ये नहीं पता कि ये अच्छा बनने वाला है आज या बेकार बनने वाला है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, जो ट्राई करते हैं और बताते हैं खाके। अब ये ग्राइंड होके तो वॉश होता नहीं, हो भी जाता, पर ऐसे वॉश करने में जो मज़े हैं वो ग्राइंड करने में कहाँ। पैन में डाल लेती हूँ देसी घी। अब या तो ये घी वेस्ट हो जाना है या डिलीशियस हलवा बन जाना है। लेट्स सी। बाबा के शीर है। अगर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें तो क्या ये पॉसिबल है, अच्छा हलवा बनेगा? ज़्यादा ही मैश हो जाएगा। अब इसलिए मैंने तो ग्रेट कर लिया है। अगर ये अच्छा बन गया तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, ज़्यादा व्रत रखने वाले। और मीठा व्रत रखने वाले वो भी खा सकते हैं, लेकिन अगर खराब बन गया तो नहीं खा सकते। अगर ये अच्छा बन गया तो व्रत में भी खा सकते हैं, और अगर ये अच्छा नहीं बना तो नहीं खा सकते हैं। So sad। अब ये अच्छे से भुन चुका है और मैंने इसे चेक भी किया, ये गल गया और इसने ना घी भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा ग्लास दूध एंड शुगर। इतना बहुत होगा मीठा। कहीं ये हलवे की जगह खीर ना बन जाए, हैं? क्या लग रहा है सिस्टी, हलवा बनेगा ये? ओह माय गॉड, ये अभी हलवा तो नहीं लग रहा। नहीं, हलवा बनेगा ये। मैं और क्या खा लूँगी? तो देखना, ये टाइट हो जाएगा धीरे से ना। लुकिंग डिलीशियस, बट खाने में नहीं पता कैसा है। स्मेल भी अच्छी आ रही है वैसे। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई हलवा। एंड इसमें मैंने घी इतना भर दिया, देखो देखो ना, आप चम्मच में इतना ऊपर तक आ रहा है ना, अच्छे से घी से इसे भर भर के बनाया। ये बिल्कुल राजस्थानी चूरमा जैसा फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में बनाया, क्योंकि इसलिए माल्या वेस्ट हो जाता, सही नहीं बनता फिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ये ट्रायल। पहले मैं भोग लगा के ना राहुल जी को टेस्ट कराती हूँ और उनके एक्सप्रेशन देखते हैं। बात कर रहे हैं, जैसे ही इनकी बात खत्म होती है फटाफट इन्हें हलवा चेक करा के अब रिव्यू देते हैं। देखते हैं। I am waiting। चलिए बताओ जरा। अरे वाह, क्या चीज है यही, तो सरप्राइज है, खा के बताओ। डिलीशियस, पर
it's hot. No, it's not. It's hot bottom. Yes. It's good. And guess karo what kya hai? Kisi cheez ka halwa? Halwa to hai. Kis cheez ka hai? Lucky. कुछ पहुंच रहे हो वहां तक क्योंकि खीरे का हलवा तो बनेगा खीरे का हलवा कौन खाता है खीरे का फिर किस चीज का आपको कैसे लगा आप ये बताओ फैबुलस गाइस आई एम फास्ट पास हो गई दिस इज डिलीशियस प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू लेकिन अब ये सारा आपका नहीं है थोड़ा सा ही बनाया ना Let me taste. ये ऐसे खिंच रहा है जैसे हम कुछ क्या होता है वो खिंचने वाला नहीं जैसे पेठा होता है कुछ इस टाइप का है बट इट्स अ वेरी डिलीशियस अगर आप इसमें किशमिश या गोला या पिस्ता डालें तो बहुत टेस्टी लगेगा ट्रस्ट मी और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज खाने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में और सोचा क्या बनाऊँ फिर एकदम से याद आया कि भिंडी इनके लिए रखी हुई है और क्योंकि ये भिंडी तो खाते हैं नहीं कौन राहुल जी भिंडी अरे हाँ खिचड़ी सॉरी खिचड़ी खाते हैं नहीं तो मैंने सोचा कि अपने लिए या बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बना लूँ इससे दो फायदे होंगे एक तो ये जल्दी बन जाएगी दूसरा लाइट की लाइट रहेगी इसके लिए मैंने लिया है टुकड़ा चावल बासमती क्योंकि जो अगर बड़े दाने वाला लेंगे तो वो घुटने में टाइम लगता है तो छोटे वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये मैंने लिया अंदाजे से लिया है करीब दो मुट्ठी हो गई और इससे हाफ मुझे लेनी है हरी मूंग की दाल हालांकि वैसे सबका अपना अपना रेशो होता है पर मैं इसी रेशो से लेती हूँ हाफ दाल और उसका मतलब 1:2 और ये मैंने लिए हैं राइस टुकड़ा वाले इन्हें फटाफट साफ कर लेती हूँ कुकर में डाल दिया है मैंने घी बहुत सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ हालांकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का ना इसमें प्याज ना लहसुन बिल्कुल सिंपल सा डिनर और घी में मैंने डाला क्यूमिन सीड्स एंड 2 ग्रीन चिलीज वॉश करके मैंने राइस राइस और दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है अब ग्रीन चिली के बाद मैं डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon 1/2 teaspoon ऑफ टर्मरिक एंड रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से इसे मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल एंड राइस जो बहुत अच्छे से मैंने धो लिए थे और इसे चावल और दाल को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही भूनना होगा अच्छे से इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इस कंटेनर में मैंने लिया था राइस और दाल तो ये हाफ था तो इसलिए मैंने डबल पानी ले लिया है इसी से मेज़र करेंगे और डाल देंगे
टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और हींग। बस हो गया, अच्छे से इसे मिला के दो सीटी लगाएंगे और दो सीटी के बाद गैस बंद कर देंगे। विद दही, घर का मिर्च का अचार एंड सम स्प्रिंकल ऑफ अनियन एंड ग्रीन चिलीज। इट्स अ वेरी डिलीशियस, कभी ट्राई कीजिए और बताइए प्लीज कमेंट करके कि इट्स अ वेरी लाइट डिनर एंड आपको कैसा लगा। ओके, बाय, टेक केयर।